भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की जननी देवकी और उनके पिता वासुदेव को कंस की कारागार में क्यों रहना पड़ा? भगवान के पास असीम शक्तियां हैं। फिर उन्होंने कंस को मारने और अपने माता पिता को छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की? माता देवकी और वासुदेव को 14 बरस के लिए जेल में बंदी क्यों होना पड़ा? नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे माता देवकी और वासुदेव को 14 बरस के लिए जेल में बंदी क्यों होना पड़ा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब कारागार में गए और वहां से माता देवकी और पिता वासुदेव को छुड़ाया, तब माता देवकी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, बेटा तुम तो भगवान हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने और हमें यहाँ से छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की? मुझे जेल में 14 बरस तक बंदी क्यों होना पड़ा, जिसका बेटा ही भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण हो, उसको भी इस प्रकार अत्याचार क्यों भोगने पड़े? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करें आदरणीय माता जी, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास नहीं भेजा था? अब माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई और फिर पूछा, बेटा कृष्ण यह कैसे संभव है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, परंतु तब आपके कई थी और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने और ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन थी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में मेरी माता यशोदा है। अपने पिछले जीवन में 14 साल तक जिन्हें माँ के प्यार से वंचित रहना पड़ा था, वह उन्हें इस जन्म में मिला है। अर्थात प्रत्येक प्राणी को मृत्यु लोक में अपने कर्मों का भोगना ही पड़ता है, यहाँ तक कि देवी देवता भी उससे अछूते नहीं है। जब देवी देवताओं को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, फिर हम तो इंसान हैं, हमें सीखना चाहिए और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हम किस प्रकार से अपने जीवन में छल कपट और बेईमानी कर रहे हैं, या किसी के साथ इंसानियत कर रहे हैं, खुशियां दे रहे हैं, ये सब हमें कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सकता है लोगों की मदद करें, अच्छे काम करें, क्योंकि यही इंसानियत है और सच्ची मानवता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसानों को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब किसी दूसरे की आप मदद करते हैं तो ऊपर वाला आपके कष्टों का ऐसे ही निवारण कर देता है और आपको पता नहीं चलता आपके ऊपर आने वाली विपत्ति और कष्ट ऐसे ही दूर हो जाते हैं। इन बातों को हमेशा याद रखें और इसके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।